गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 2.3 पेज नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -3. -2 और -3 के बीच में तीन रैशनल नंबर्स हमें बताने हैं. कैसे आप सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखिए, -2 को आप लिख सकते हैं -2/1. अब आपको थ्री रैशनल नंबर्स बताने हैं, तो आप 3 में 1 ऐड कीजिए, 4 आएगा. आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, -8/4. अब सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर क्या है, -3. -3 को आप लिख सकते हैं -3/1. इसको भी आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. यू विल गेट -12/4. अब क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया. अब आपको क्या करना है, -12/4 और -8/4, इन दो नंबर्स के बीच के थ्री रैशनल नंबर्स आपको लिखने हैं. ठीक है, तो क्या आएंगे नंबर्स यहाँ पर, -8 और -12 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, -9 हो जाएगा, -10, -11, अपॉन में आप 4 लिखेंगे. ठीक है, तो ये हैं थ्री नंबर्स. ऐसे ही आपको सॉल्व करना है. ठीक है, जितने नंबर्स फाइंड करने हैं उससे एक ज़्यादा नंबर लेके आपको डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है. जो वैल्यू आएगी, अब डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, न्यूमरेटर को आप चेक करेंगे, -12 and -8 के बीच के आप नंबर्स लिखेंगे, वो क्या है, -9, -10, -11, अपॉन में आपने 4 लगा दिया. ठीक है, थ्री नंबर्स क्या है, इन दोनों के बीच में लाई करते हैं. नाइन्थ देखिए, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 6/7 and -5/7. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है. अब आपको क्या करना है, इनके बीच के 10 रैशनल नंबर्स आपको लिखने हैं. तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, -5 और 6 के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा, अगर आप नंबर लाइन पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 and -4. ठीक है, यहाँ पे नंबर क्या था, -5/7 था, अपॉन में 7 लिखेंगे. तो नंबर्स कौन कौन से होंगे, -5 और -6 के बीच की आपने सारी वैल्यूज़ लिखी, उनको अब आप 7 से डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, सारी वैल्यूज़ को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर है. दीज आर दी नंबर्स लाइंग बिटवीन -5/7 and -6/7. ठीक है, तो ये ऐसा आपको लिखना है. आपको अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर के बीच की सारी वैल्यूज़ आप लिखेंगे और अपॉन में आप 7 लिखेंगे सारे नंबर्स के नीचे. नाइन्थ है, इसके बाद टेंथ देखिए. टेंथ में क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. इन नंबर्स को आप नंबर लाइन पे शो करेंगे. टेंथ का फर्स्ट पार्ट -1/2, आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पे आप 0 मार्क करेंगे. अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स है, या इसका मीनिंग क्या है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हमें मूव करना है. 0 यहाँ पे ऐसे मार्क बना दें आप, ये क्या होगा, अपॉन में 2 है और 1 से स्टार्ट करना है, ये 1 है -1, तो ये क्या होगा -1/2. तो ये नंबर आपको मार्क करना है, सर्कल करना है. ठीक है, 0 -1 और ये -2 -3. -1/2 कहाँ आएगा, -1 and 0 के बीच में आएगा. ठीक है, हाफ वैल्यू. सेकंड पार्ट देखिए, -1/3, ये आप कैसे ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव नंबर है, यहाँ 0 मार्क करो, यहाँ पे इन ऐसे मार्क करो, इसको क्या लिखेंगे, -1/3, -2/3, -3/3. -3/3 की वैल्यू क्या होती है, -1. ठीक है, आप 1 से स्टार्ट करेंगे और अपॉन में जो नंबर है वो आप सेम लिखेंगे, 1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3. ऐसे आपको लिखना है, बट हमें ये वैल्यू यहाँ मिल गई, इसको आप सर्कल करेंगे. ठीक है, एक जैसे नेक्स्ट वाला मैं आपको बताती हूँ, 2/3 पॉजिटिव नंबर है, यहाँ 0 लिखेंगे,
पॉजिटिव नंबर है तो ये ज़ीरो के राइट हैंड साइड में बनाया जाएगा। इसको ऐसे पेंसिल से मार्क करना है। फर्स्ट नंबर क्या होगा, अपॉन में थ्री है, थ्री अपॉन में थ्री ही रहेगा और ऊपर आप वन से स्टार्ट करेंगे, वन बाई थ्री, टू बाई थ्री, थ्री बाई थ्री, फोर बाई थ्री, ठीक है, आगे भी लिख सकते हैं आप, फाइव बाई थ्री, सिक्स बाई थ्री। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ऊपर आपको काउंटिंग की फॉर्म में लिखना है। कौन सा नंबर हमें मार्क करना है, टू बाई थ्री, इसको आप सर्कल करेंगे। थ्री बाई थ्री को उसके नीचे वन लिख सकते हैं, ये डिवाइड नहीं होगा, ये टू से डिवाइड होगा, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये फोर्थ पार्ट देखिए, इसके लिए नंबर लाइन बनाई, माइनस में नंबर है, ज़ीरो आप यहाँ लिखेंगे, ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आपको नंबर्स लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, पहले आप ये मार्क करेंगे, अपॉन में टू है, ठीक है, अपॉन में टू ही रहेगा और आपको माइनस में है तो माइनस वन से स्टार्ट करना है, माइनस वन बाई टू, माइनस टू बाई टू, माइनस थ्री बाई टू, कहाँ तक लिखना है, माइनस सेवन तक, माइनस फोर बाई टू, माइनस फाइव बाई टू, माइनस सिक्स बाई टू, एंड दिस वन इज माइनस सेवन बाई टू। आगे का एक नंबर और आप लिख सकते हैं, माइनस एट बाई टू, तो ये नंबर हमें मिल गया, ठीक है। इसको आप जो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं उनको आप उनकी वैल्यू लिख सकते हैं, ये डिवाइड होकर माइनस वन होगा, टू से टू डिवाइड होगा, टू फोर से टू डिवाइड होगा, ये आएगा टू थ्री ज़ा सिक्स, ठीक है, और टू फोर ज़ा एट, इस टाइप से, तो माइनस सेवन बाई टू यहाँ लाई करेगा, ठीक है। बाकी नंबर्स डिवाइड नहीं होंगे, उनको आप एज इट इज़ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर टेन का एट पार्ट देखिए, माइनस फाइव बाई थ्री, इसको आप कैसे लिखेंगे, नेगेटिव नंबर है, ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आप मार्क करेंगे, अपॉन में थ्री है, ठीक है, अपॉन में आप थ्री ही लिखेंगे और माइनस में है, माइनस और वन से आपको स्टार्ट करना है, माइनस वन बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री, माइनस थ्री बाई थ्री, माइनस फोर बाई थ्री, माइनस फाइव बाई थ्री, ये हमें मिल गया। आगे का एक और नंबर आप लिख सकते हैं, माइनस सिक्स बाई थ्री, इसको आप सर्कल करेंगे, ये वाला हमें मार्क करना है नंबर लाइन पे, तो इस नंबर को आपने सर्कल किया। अब बाकी देखो, कोई नंबर सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ, थ्री से थ्री कैंसिल वन, थ्री से टू कैंसिल माइनस टू, ठीक है। लास्ट वाला देखिए, नाइन्थ पार्ट, इसमें आपको ये नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। इसमें 22/7 है, ये पॉजिटिव नंबर है, आप यहाँ ज़ीरो लिखेंगे, ज़ीरो के आप राइट हैंड साइड में नंबर बनाएंगे, 22 तक आपको मार्क करना है, वन टू थ्री फोर फाइव, ये मैंने 22 तक मार्क किया। अब आप क्या करेंगे, वन डिनोमिनेटर में सेवन लिखना है, पॉजिटिव नंबर है और ऊपर वन से स्टार्ट करना है, ये वन बाई सेवन हो गया, ये टू बाई सेवन, थ्री बाई सेवन, फोर बाई सेवन, फाइव बाई सेवन, ऐसे ही आपको आगे लिखते जाना है, ठीक है। मैंने वन से, यहाँ मैंने वन से स्टार्ट करते हुए 22 तक मैंने वैल्यू लिखी है, ठीक है। 22/7 कहाँ है, यहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया इसको, ठीक है। तो ये मैंने नंबर लाइन पे 22/7 को शो किया है। अब इसमें जो नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं उनकी आप वैल्यू लिख सकते हो, जैसे 7, 7 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, और ये 14, 7 से डिवाइड होगा 2 हो जाएगा, 21 डिवाइड होगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने मार्क कर दिया, इन नंबर्स को आप नंबर लाइन पे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये आपका बाकी पार्ट्स आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। आज मैंने आपको 8th, 9th एंड 10th कंप्लीट कर दिए।